एक सवाल जो सभी बच्चों को बहुत परेशान करता है वो ये कि सर कितने मॉक्स हम दें, चाहे हम प्री के देना चाहते हैं चाहे मेंस के देना चाहते हैं। तो यार ये टोटली डिपेंड करता है कि करंटली आप प्रिपरेशन वाइज कहाँ स्टैंड करते हो। जैसे मैं एक बच्चे का एग्जांपल लेता हूँ, उसने प्री के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, उसको प्री का प्रैक्टिस करते हुए भी महीना भर हो चुका है, अब वो सारे सवाल सॉल्व कर देता है। बस फर्क इतना है कि सर टाइम अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाया जितने टाइम में बनना चाहिए। तो अब सही समय कि वो मॉक्स देना स्टार्ट करे। अब उसे डेली मॉक नहीं देना है, उसे कोशिश करनी है कि धीरे धीरे करके इंक्रीज करे जो मॉक्स देने की फ्रीक्वेंसी है। जैसे लेट्स से कि उसने पहले हफ्ते का टारगेट रखा कि यार एक एक या दो दो दिन छोड़ के मैं मॉक्स दे रहा हूँ, प्री के मॉक्स दे रहा हूँ, उसी टाइम उसका एनालिसिस कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अपनी गलतियों को सुधारने का। देन एक बच्चा ऐसा है जिसने ये काम करते हुए जिसको टाइम हो गया, अब वो नेक्स्ट फेज में जाना चाहता है, तो वो ऑलमोस्ट डेली मॉक्स देना स्टार्ट कर देगा और उसका एनालिसिस। इसके बाद आते हैं हम मेंस के ऊपर। मेंस में अगर बात करें, ऐसा है कि सर प्री का मॉक्स देते हुए समय हो चुका है, परसेंटाइल 85 से 90 आ रहा है, एक्यूरेसी भी 80-85 आ रहा है और कंसिस्टेंटली सर ये स्कोर हम हिट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कम चला जाता है, पर मेजोरिटी टाइम अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो अब ये सही समय है कि हम मेंस की प्रिपरेशन में स्विच करें। मेंस में भी स्विच करते ही आपको मॉक्स नहीं देना, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। पहले कुछ समय तक आपको एटलीस्ट 3 से 3 एक हफ्ते 3 से 4 हफ्ते आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, और प्रैक्टिस खूब करनी है। हर सब्जेक्ट को 2.5 घंटे की प्रैक्टिस दो आप डेली, आने वाले 3 to 4 वीक्स बढ़िया से प्रैक्टिस करो। कहाँ से? अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने पेड प्लेटफॉर्म पे बहुत मिल जाएगा आपको। इवन आप अपने जो टीचर्स को फॉलो करते हैं उन्होंने भी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा होगा, तो वहां से कीजिए। उसके बाद फिर आप सबसे पहले सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करें, ना कि फुल मॉक। सेक्शनल मॉक हफ्ते में एक सेक्शनल मॉक लगाओ सारे सब्जेक्ट्स का और उसी टाइम उसका एनालिसिस करो। और वहां पर कोशिश क्या है, वहां पर कोशिश ये है कि हम क्वेश्चन का सिलेक्शन करना सीखे, सही ऑर्डर करना सीखे कि किस ऑर्डर में मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। हमेशा नेक्स्ट मॉक में जाएं उससे पहले पिछले मॉक्स के जो जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं कि यार इन 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 चीज़ों पर मुझे काम करना है, वो एक बार पहले से पढ़ लें, जिससे याद आ जाए कि यार ये गलतियां मुझे इस मॉक में नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेन्स मॉक में स्पेशली होता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन और क्वेश्चन का ऑर्डर करना आप जरूर सीखें, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दें। अब ऐसा हो जाता है कि सर सेक्शनल मॉक्स देते हुए भी थोड़ा टाइम हो चुका है, तो अब समय आ चुका है सेक्शनल के साथ फुल मॉक्स को भी ऐड करना स्टार्ट कीजिए, और इसी करते करते आपके एग्जाम्स आ जाएंगे। और अगर आप ये कंसिस्टेंट बेसिस पे करेंगे, एनालिसिस मॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशियंट आपका कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। जाने से पहले मेरी तरफ से एक सजेशन है, अगर आप क्वांट्स या रीजनिंग का मेंस के लिए अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा कंटेंट चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए भी, कंसेप्ट के लिए भी, सभी चीज़ों के लिए, तो आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक, हमारी साइट का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशनड है। करंटली मंथ एंड सेल चल रही है जिसपे 30% सीधा ऑफ है हमारे सब्सक्रिप्शन पे, मात्र 1400 रुपये का। ओनली फॉर 1400 रुपीज आपको सारे कंटेंट का एक्सेस मिलेगा, पुराना नया करंट जो भी चल रहा है, ठीक है जी। तो ये मौका मत छोड़िएगा, 30% ऑफ ऑन दी एनुअल सब्सक्रिप्शन एज वेल एज ऑल दी कोर्सेज, अगर आप कोई इंडिविजुअल खरीदना चाहते हैं तो भी। कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी भी मेंशन कर रहा हूँ, वहां पर आप मैसेज करके मुझसे अपनी कोई भी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।